फिलहाल 2019 तक अक्षय कुमार फिल्मों से पूरे बंधे हुए हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि साजिद फरहाद की अगली फिल्म में भी अक्षय फाइनल हो चुके हैं। यह फिल्म तमिल सू पर स्टार अजित की 2014 में आई फिल्म वीरम की हिंदी रीमेक होगी। सूत्रों की माने तो अक्षय की इस नई फिल्म का नाम होगा लॉल, पूरा नाम है लैंड ऑफ लुंगी, लुंगी का देश। यह एक गांव की कहानी होगी जहां अक्षय लुंगी पहने नजर आएंगे। बता दें, अक्षय और साजिद इससे पहले भी कई फिल्में कर चुके हैं, दर्शकों को इनकी जोड़ी काफी पसंद भी है, लिहाजा फिल्म पर काम शुरू भी किया जा चुका है। फिलहाल फिल्म की एक्ट्रेस फाइल डन नहीं की गई है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 13 अप्रैल 2018 को रिलीज होने वाली है। बता दें, यह फिल्म रियल लाइफ में मुरुगनाथम से प्रेरित है, जिन्होंने सभी विरोधों का सामना करते हुए सबसे सस्ती सेनेटर पैड्स बनाने का काम किया था। रीमा कागती के निर्देशन में बन रही फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार को फाइनल कर लिया गया है। इस फिल्म अक्षय हॉकी कोच बलबीर सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। म्यूजिकल मुगल नाम से मशहूर संगीतकार गुलशन कुमार की बायोपिक फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य किरदार निभाएंगे। नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही फिल्म क्रैक साल 2017 के अगस्त में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल फिल्म पर काम शुरू नहीं किया गया है। फिल्म 2018 में रिलीज होगी। हाल ही में फिल्म के निर्देशक साजिद खान ने कंफर्म किया है कि वे हाउसफुल 3 पर जल्द काम शुरू करने वाले हैं। हम यानी कि जल्द ही फैंस के सामने अक्षय कुमार कॉमेडी फिल्म के साथ आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार हवलदार ऋषि सिंह की भूमिका में नजर आएंगे, जो 1897 में हुए सारागढ़ी की लड़ाई के दौरान 21 सिख फौजी के कमांडर थे।